हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ कसूरी मेथी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मार्केट में जो मेथी कसूरी मेथी के नाम से महंगे रेट में मिलती है, उसे आप घर पर बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे एक बार बनाकर पूरा साल के लिए स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। कसूरी मेथी का यूज़ आप सब्जियों के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप इसका यूज़ मटरी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों के दिनों में जब मेथी अवेलेबल नहीं होती है, उस समय आप इसी सूखी हुई मेथी से आलू मेथी की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कसूरी मेथी बनाने के लिए मेथी को हमने पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसकी बड़ी डंडियों को भी हमने हटा दिया है। कसूरी मेथी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेथी को सुखाना है, लेकिन हमें मेथी को धूप में नहीं सुखाना है। मेथी को धूप में सुखाने से मेथी का फ्लेवर और मेथी का कलर दोनों ही खराब हो जाते हैं। मेथी को सुखाने के लिए हमने लिया है एक कॉटन क्लोथ। इस क्लोथ पर हमें मेथी को इस तरह से दूर दूर रखकर सुखाना है। मैं मेथी को पहले 12 घंटे तक पंखे की हवा में सुखाऊंगी, इसके बाद मैं इसे 1 घंटे के लिए धूप में सुखाऊंगी। मेथी को हमने 12 घंटे तक पंखे की हवा में सुखाया था और इसके बाद मेथी को हमने 1 घंटे तक धूप में सुखा लिया है। मेथी को स्टोर करने से पहले ये चेक कर लें कि मेथी में कहीं मॉइस्चर तो नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी मेथी लें और इसे हाथ में इस तरह से क्रश करके देखें। यदि मेथी की पत्तियाँ इजीली क्रश हो रही हैं, तो इसका मतलब मेथी अच्छी तरह से सूख चुकी है। मेथी को अच्छी तरह से सुखाने के बाद इसे पूरे 1 साल के लिए स्टोर किया जा सकता है और ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज़ किया जा सकता है। धूप न होने पर आप माइक्रोवेव का यूज़ करके भी कसूरी मेथी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अब आप घर पर बाजार से भी अच्छी कसूरी मेथी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।